Make music? It's against racism and violence, alright? Oh, really? There's no price. Just say no. Just say no. Okay. Don't. He was saying to you. Oh, he just kept telling me something about white man. चलता मेरे को चारों ने घेर लिया था चारों तरफ से और मेरे बैग में इतना सारा सामान है पैसे भी है मेरे बैग में. Hello guys from New York, Bronx area. तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं मैनहट्टन में ट्रेन पकड़ के. तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोग को ये एरिया दिखाता हूँ. ये जो एरिया है ना पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कनॉट प्लेस का एरिया होता है ना और पहाड़गंज का एरिया, तो उस टाइप का लग रहा है. सब लोगों ने जितनी भी है सड़क पे ये यहाँ पे शॉप वगैरह लगाई हुई है. मिस्टर डैरिक आई नेवर सीन लाइक दैट इन ओपन शॉप्स इन अमेरिका. देयर हियर ऑब्वियसली आई नेम. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं मिस्टर डैरिक को कम लोग लग रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया में और ज़्यादा लोग होते हैं, बट मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लग रहे हैं. और सड़क पे ही लोग बैठे हुए हैं सामान बेचने के लिए. ये देखो पीछे की तरफ, और ये यहाँ पे पता नहीं क्या बेच रहे हैं जनाब. What's that, buddy? What's that? Oil. You can burn it or you can put it on your body. For smell? Fragrance. Yes, for smell. Oh, fragrance. Yeah. तो ये यहाँ पे भैया तेल बेच रहे हैं जो खुशबू वगैरह के लिए. Thank you, buddy. Appreciate. How do you know about that? Have you ever bought it from like that? I'm a man of the world. I know all kinds of things. Mr. Derek को यहाँ पे सारा पता है कि कहाँ पे क्या. ये देखो अभी ये यहाँ पे हमें नीचे जाना है, यहाँ से हमें पकड़नी है मेट्रो, और मेट्रो के बाहर पूरा मतलब कनॉट प्लेस वाला एरिया लग रहा है. तो अभी हम लोग आके बैठ गए हैं मेट्रो के अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी अच्छी भीड़ है इसके अंदर. मेरे ख्याल से जब सुबह सुबह ऑफिस का टाइम होता होगा तो जैसे दिल्ली मेट्रो में अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा कैसे भरी रहती है, तो मुझे लग रहा है वैसे ही भरी रहती होगी है. तो मैं यही नोट कर रहा हूँ ये यहाँ पे मेट्रो के अंदर लोग आ रहे हैं पैसे मांग रहे हैं. तो अभी हम लोग आ गए हैं सबवे से बाहर, और सबवे से बाहर आते ही जो नज़ारा है आप लोगों को दिखाता हूँ. ये है ब्रुकलिन ब्रिज, तो हम लोग उस पर चल रहे हैं. और हम लोगों ने जो सबवे पकड़ी थी ब्रोंक्स एरिया से पकड़ी थी, और ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे आने के लिए इसका नाम ही है ब्रुकलिन ब्रिज स्टेशन. और मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कितना मेट्रो का चार्ज लगता है अगर आप आ रहे हैं तो. न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक टाइम मेट्रो यूज़ करने का जो चार्ज है वो है $3. और अगर आप मल्टीपल टाइम्स पकड़ना चाहते हैं, अनलिमिटेड पकड़ना चाहते हैं, उसका जो चार्ज है 7 days के लिए 33. एक दिन के लिए वो लोग पास नहीं देते हैं, मिनिमम 7 days के लिए देते हैं अनलिमिटेड पास. तो अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्चुअल जो ब्रिज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, और इधर नीचे की तरफ से कार जा रही है. देखो थिंक यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग हुई थी, कल होना हो शाहरुख खान की, यहीं पर ही उसने कहीं शूटिंग की थी. उसके बिल्कुल बीच में, और ये यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना बेहद खूबसूरत है, और पूरा जो है आप लोग को न्यूयॉर्क दिखेगा. मैं आप लोग को एक बार ही बताता हूँ, यहाँ से मुझे दिख रही है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पता नहीं आप लोग को दिख रही है नहीं दिख रही है, इसमें बहुत छोटी दिख रही है. और उधर ही टाइम स्क्वायर है उसके पास में ही, और ये यहाँ पे तो मिस्टर डैरिक खड़े हुए हैं, पीछे ब्रुकलिन ब्रिज है, और इस तरफ में है सारा एरिया जहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग है यहाँ पे. तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ज़ीरो ग्राउंड है. और इस तरफ में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. कैन यू सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी? मिस्टर डैरिक बन गए हैं. आई जस्ट नीड अ ड्रेस. या यू नीड अ ड्रेस. आई नीड अ ड्रेस. आई कैन बी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. या यू विल. एंड यू नो अबाउट द वर्ल्ड. आई एम नॉट डन. एंड यू नो अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, राइट? या यू नो हाउ इट वाज बिल्ट, राइट? नो, आई डोंट नो दैट. डोंट लुक एट हाउ इट डज एट द बॉटम. यू नो व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे? It's kind of built in a twist. Okay. You know why? Why? Because it won't be able to fall down again if it's hit with airplanes or anything. Ah, okay. It was designed to be that way. You are so smart, you're gonna lose your camera. I know, I'm so stupid. No, you're not stupid. तो उस तरफ में है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बहुत ही छोटी दिख रही है. अभी फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे अगर वहाँ पे जा पाते हैं तो. और ये पीछे देख रहे हो एक जो बंदा बेंच पे बैठा हुआ है, तो जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो उसने हमारी फ़ोटो खींच ली और हमें सेल करने की कोशिश कर रहा था.
तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा चल रहा है, अगर आ रहे हो तो इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और फ़ोटो खींचते हैं और फिर आपको दिखाएंगे, कहेंगे देखो उसके पास एक्चुअल में बहुत अच्छा कैमरा है और बहुत अच्छी फ़ोटो खींची थी उसने मेरी, तो कह रहा था कि बड़ी अच्छी फ़ोटो है बट वो पैसे मांग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे पास कैमरा है मैं खुद ही अपनी खींच लूँगा। तो मैं समझ सकता हूँ आज के टाइम में सबके पास अपना मोबाइल वगैरह है, तो जो लोग पहले फ़ोटो खींच के पैसे कमाते थे ऐसे, उनका बिजनेस बहुत कम हो गया और अभी कोरोना वायरस में तो वैसे ही वो किसी के पास जाते हुए थोड़ा बहुत डर ही रहे हैं। तो फिर भी वो बंदा अपना ट्राई कर रहा है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर यहाँ पे आते हो प्रोफेशनल फ़ोटो चाहिए तो इस तरीके के बंदे बैठे हुए हैं जो आप लोगों की प्रोफेशनल फ़ोटो खींच देंगे। टाइम आ गया है ब्रुकलिन ब्रिज को बाय करने का, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं उसके ना। यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है, आई एम फीलिंग सो चिली है। Yes, a little nippy. Nippy is what we mean. फ्लोरिडा में रहता हूँ, वहाँ पे अभी भी बहुत गर्मी है, बट धीरे धीरे मेरे को लग रहा था कि जितना मैं मतलब नॉर्थ साइड अमेरिका में जाता जा रहा हूँ उतनी जो है ठंड बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है फाइनली जैकेट या कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई जूस बेच रहा है, कोई स्ट्रीट हॉट डॉग बेच रहा है, तो ये काफ़ी फेमस होता है न्यूयॉर्क में स्ट्रीट फूड। तो अभी हम लोग बाहर से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हुए आए रेस्टरूम में, क्योंकि मिस्टर डायरिक ने बोला कि मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है और इमरजेंसी थी, ऐसे ही वॉशिंगटन डीसी में थी, आई थिंक मैरीलैंड में भी हम लोग ढूंढ रहे थे और न्यूयॉर्क में भी, और मैं यहाँ पे भी नोट कर रहा हूँ कि रेस्टरूम है जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो सब जगह पे नहीं है पब्लिक के लिए, या तो रेस्टोरेंट वगैरह में आप जा रहे हो यूज़ करोगे रेस्टोरेंट तभी कोड वगैरह दे रहे हैं। तो अभी हमें लकली थोड़ी पास में मिल गया है और जहाँ पर हम लोग आए हैं वो मैं आप लोग को एरिया दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो देख रहे हो ये है वेस्टफील्ड, ये यहाँ पे काफ़ी सारा शॉपिंग एरिया है और ये एक ट्रेन स्टेशन भी है, सबवे यहाँ से सब जगह पे सबवे जा रही है। ये डोर इतने ज़्यादा हैवी हैं मतलब जान से इनको प्रेस करना पड़ रहा है। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर और अब मास्क उतार सकते हैं, तो बाहर मास्क आपके ऊपर है पहनो या ना पहनो, बट अगर आप किसी भी बिल्डिंग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे तो आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। और मेरे पीछे ये है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप लोगों को पता है जो दो बिल्डिंग थी वो यहाँ पे थी। तो मैं आ गया हूँ अंदर जहाँ पे 9/11 मेमोरियल है। बड़ी क्यूट सी गिलहरी थी, हमने उसको खाना दिया है तो वो खा रही है खाली चीज़, मतलब बिस्किट के ऊपर चीज़ लगी हुई है तो चीज़ चीज़ ऐसे खा रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेमोरियल के बाहर और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो तीन लोकेशन है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं, उनमें से एक है सैटर्न आइलैंड, हम लोग फेरी पकड़ के जाएंगे, उससे क्या होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से जाएगी। और मेहुल ने भी बताया था हमें कि फ्री फेरी है और बड़ी शानदार उससे व्यू आता है। सेकेंडली हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी जाते हैं टाइम स्क्वायर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है और मेरे पास भी जैकेट नहीं है अभी, मिस्टर डेरिक के पास भी नहीं है, और जो हमारी कार भी यहाँ से बहुत दूर खड़ी हुई है ब्रोंक्स एरिया में, जिसके लिए हमें यहाँ से अगर मेट्रो भी पकड़ के जाते हैं मतलब एक घंटा हमारा ख़राब हो जाना है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी हैव टू चूज नाउ? आई थिंक टाइम्स रन शॉर्ट, यू जस्ट नीड टू पिक वन और द अदर, यू नो। टाइम स्क्वायर इज प्रोबब्ली अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। टाइम स्क्वायर प्रोबब्ली। तो yeah. चलो मिस्टर डैरी कह रहे हैं कि टाइम स्क्वायर चलते हैं, तो यहाँ पे आइडिया ड्रॉप करना पड़ रहा है जो मेहुल ने बताया था स्पेशली। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी मैं आता हूँ तो मैं करता हूँ सैटर्न फेरी वाली जो फेरी है जो फ्री है वो करता हूँ। सो लेट्स गो टाइम स्क्वायर देन। तो अभी हम लोग आ गए थे गलत वाली ट्रेन में, थैंक गॉड हम लोगों ने कार्ड जो है उसमें हमने स्वाइप नहीं किया, नहीं तो हमारे $3-3 लग जाते। यहाँ पे लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत थी। हम लोग सही वाली उधर लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे हमें दिख रही है वन रेड, तो हम लोग ये पकड़ के जाएंगे।
लोग पहुंच गए हैं टाइम स्क्वायर पे और मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। एक लेडी स्टेशन पे ही कुछ आम वगैरह काट के सेल कर रही है, तो पता नहीं अभी कोविड के टाइम में कौन ऐसे मैंगो वगैरह लेगा कटे हुए, वो भी ऐसे इतने भीड़ के इलाके में, बट फिर भी वो अपना ट्राई कर रही है। अभी ये स्टेशन बहुत बड़ा है, देखना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक वी शुड, वी हैव टू गो टाइम स्क्वायर। फाइनली दिख गया बड़ी जल्दी हम लोगों को टाइम स्क्वायर। हेलो, गुड, हाउ आर यू डूइंग। एक लेडी है जो यहाँ पे स्टेशन पे गा रही है, ये मैंने सुना था न्यूयॉर्क में बहुत चलता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेड स्टेयर्स की तरफ और देखते हैं रेड स्टेयर्स ओपन है या नहीं है। फिलहाल मुझे लग रहा है आई थिंक कोविड की वजह से बंद हो सकता है, बट फिर भी पूरा जो न्यूयॉर्क है वो खोल ही दिया है। और वहाँ चलते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो फेमस है पिज़्ज़ा। न्यूयॉर्क आए और पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि पैसे इसी चीज़ के हैं। ये हम लोग टाइम स्क्वायर पे। I'm from India. I'm from Brooklyn. You like music? Yeah. It's my music, music, right? Oh, you make music? It's against racism and violence, all right? Oh, really? There's no price. What's your name? Santi. My name is just right. I want to sign it for you. You do ask for a donation. Say no. यहाँ पर इन्होंने मेरे से जबरदस्ती पैसे मांगना चालू किया और इन बंदों का गैंग था। दो बंदे मेरे पीछे आ गए और पीछे से मेरे को बड़ी तेज तेज बोलने लगे कि पैसे देने पड़ेंगे। और ये बंदा इतने गुस्से में आ गया, इसने मेरी चेस्ट पे ऐसे दो तीन बार मारा और फिर मेरे को गुस्से में मैंने इसकी यहाँ पे डीवीडी वापस की। क्या हुआ है, अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि वो बंदे एकदम से आ गए थे और मेरे को है ना सीडी देने लगे, मतलब जो डीवीडी वगैरह थी कि हम लोग म्यूजिक वगैरह बनाते हैं। और मैं बोला ठीक है, कह रहा आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, हेलो इंडिया सब कुछ करने लगे कि कहाँ से आओ। और इतने में एक बंदा आया, मिस्टर डेरिक, बट ही वाज टेलिंग यू, ही वाज सेइंग टू यू, ओह ही जस्ट केप्ट टेलिंग मी समथिंग अबाउट व्हाइट मैन, व्हाइट मैन। हाँ, और मिस्टर डेरिक को थोड़ा सा दूर कर दिया और तीन चार बंदे आए, उन्होंने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और चारों बात करने लगे, हमें डोनेशन दे दो, हमें ये दे दो। मेरे को लग रहा था वो मेरा बैग रीच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ दे ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई फील सो अनकम्फर्टेबल एंड दे गॉट लिटिल बिट लाइक लाउड एंड एंग्री एट मी टू, सो आई डिड नॉट फील गुड। And why they are calling you like a white man, white man? I don't know. Then he just started laughing. He said he was joking. Yeah, मतलब वो कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ कर रहे थे, तो ऐसे ही है यहाँ पे ना, you know, so much scam going on here. A lot of places there is. Yeah. तो मतलब अगर आ रहे हो ऐसे न्यूयॉर्क वगैरह में तो थोड़ा बच के रहना है, ऐसे बंदे मिलते हैं। पता नहीं चलता, मेरे को चारों ने घेर लिया था चारों तरफ से और मेरे बैग में इतना सारा सामान है, पैसे भी है मेरे बैग में एक्चुअली, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा था। बट चलो अभी हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, थैंक गॉड मिस्टर डेरिक थोड़ा दूर थे कि देख रहे थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जो भी है, अभी हम लोग फिलहाल पहुँच गए हैं रेड स्टेयर पे और मिलते हैं 5 मिनट बाद, थोड़ा सा मूड ठीक कर लेते हैं। तो अभी टाइम स्क्वायर का नज़ारा तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ढूँढ रहे हैं जो न्यूयॉर्क का फेमस पिज़्ज़ा है डॉलर पिज़्ज़ा, वो शॉप हम लोग ढूँढ रहे हैं। तो अभी मैंने गूगल में चेक किया है, यहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जो फेमस पिज्जा है 99 सेंट्स और खा के देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया चीज पिज्जा है भाई। पिज्जा वगैरह सब हम लोगों ने खा लिया है, दोबारा हम लोग वॉक कर रहे हैं टाइम स्क्वायर की तरफ, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। सो हाउ वाज द पिज्जा मैन? दिस वाज ग्रेट फॉर अ डॉलर। या मतलब $1 का पिज्जा इतना बढ़िया था, मैंने दो खाए। हाउ मेनी पिज्जा यू एट? आई टू स्लाइसेस। डेरिक ने भी दो पिज्जा की स्लाइसेस खाई हैं, तो ज़बरदस्त था। आ रहे हो तो जो वो स्ट्रीट थी आई थिंक वो थी वेस्ट 43, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी कि बेस्ट पिज्जा है न्यूयॉर्क। पे तीसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार मैं आया था कुछ आई थिंक 5 साल पहले और अभी 2 साल पहले भी आया था, मैंने वीडियो बनाई थी। और अब आ रहा हूँ कोविड के टाइम में,
तो मैं देख रहा हूँ इतने ज्यादा लोग नहीं है जितना मैं पिछली बार आया था तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था। सर माय गॉड, टुडे आई सॉ ओनली वन टिकट, दैट्स एन इंडियन बॉय, ही लिव्स इन इंग्लैंड। ओके, बट हार्ड रॉक अंडरनीथ द हार्ड रॉक ओवर देयर। गॉट यू। और अगर कोई आता है तो अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे टिकट के लिए, जैसे आप डिस्काउंट दिला रहे हो। या ऑफ कोर्स। कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? आई हैव अ नंबर, फोन नंबर। फोन नंबर आप शेयर कर दो अपना फोन नंबर। इन हियर? हाँ, बोल दो इसमें। माय नेम इज हसन, माय फोन नंबर इज 9293561585। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए टिकट में होपन होफो बस के लिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जब भी न्यूयॉर्क में आ रहे हो। तो एक्चुअल में डिस्काउंट भी दे रहे थे, कुछ $69 वाली मेरे को दे रहे थे, 59 और भी कह रहे थे और भी मैं डिस्काउंट दे दूंगा, कहते सुबह से इतनी ज़्यादा टिकट वगैरह सेल नहीं हुई है कोविड की वजह से, सिर्फ एक ही टिकट इन्होंने सेल किया। कोई इंडियन था जो इंग्लैंड वगैरह में रहता है तो बता रहे थे उसके बारे में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहले जब मैं 2 साल पहले आया था ना तो इस तरीके के जो स्टॉल होते हैं बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे, बट अब मैं देख रहा हूँ कि एक एक दो दो लगे हुए हैं कोने में। बट मैं इनसे खा नहीं रहा क्योंकि पता नहीं है कोरोना वायरस चल रहा है, इसे बाहर खाना सही होगा या नहीं होगा, नहीं तो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। हम लोग वॉक कर रहे हैं सबवे की तरफ, टाइम हो गया हमारा वापस जाने का, तो बाय बाय करते हैं भैया टाइम स्क्वायर को, बाय टाइम स्क्वायर, फिर मिलते हैं अगली बार जब कोविड वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी रौनक दोबारा आ जाएगी तब यहाँ पर आने का फ़ायदा है। अभी मतलब सब कुछ फीका फीका सा मुझे लगा, खास तौर पे यहाँ पे टाइम स्क्वायर वाले एरिया में। अभी मैं जैसे ही ट्रेन में आया हूँ तो मेरे को एक हिमेश रेशमिया जैसा बंदा दिखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो से बाहर और बस हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमने कार पार्क की हुई है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। फिर जल्द मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। नो बड़ी, यहाँ पर यार पता नहीं न्यूयॉर्क में सब पैसे ही मांगते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। तो चलो मिलते हैं अच्छी सी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड यू नो व्हाट पीपल आर सेइंग, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वर्किंग। मिस्टर डेरिक भी आजकल एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं, तो मिस्टर डेरिक के चैनल पे जाके उनकी वीडियो देखना मत भूलिएगा। व्हेन यू गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियोस? आई हैव टू फाइंड एन एडिटर। ओके, अगर कोई एडिटर है तो भैया मिस्टर डेरिक को कॉन्टेक्ट कर लो। तो अभी मिस्टर डेरिक वीडियो बना रहे हैं, आई थिंक जब घर अपने वापस जाएंगे तो वो करेंगे उनको एडिट एंड फिर वो पोस्ट करेंगे। तो मिस्टर डेरिक का चैनल है डेरिक डेस्टिनेशन, लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय गाइज़।